Hey guys, welcome back to IITV. Thank you for tuning in to IITV. और अब मैं इस रूम में थोड़ा व्लॉग कर सकता हूँ क्योंकि अर्श ने वीडियो डाल दी है और हमारा रूम हो गया है, सबको पता लग गया है कैसा है हमारा कमरा। थोड़ा लाइट इतनी कम भी नहीं है रूम में, बट इट्स ओके, कोई बीच नहीं है। गाइस, आईटी का ये वीकली व्लॉग है एंड वीकली जिम एक ही बार जाया करेगा, वो भी इसमें इंक्लूडेड आज होने वाला है। मैं जिम जाऊंगा पूरे हफ्ते लगातार जाऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी जिम जा रहा हूँ अर्श के साथ और उसके बाद हमारा फुटबॉल का सीन है, तो मैं तब व्लॉग करूंगा थोड़ा सा, बट जिम में मैं नहीं कुछ व्लॉग करूंगा, मैं अर्श के लिए कर लूंगा थोड़ा वीडियो और बना लूंगा उसको बनानी होगी। तो एंड तंजील अभी अपना मील एंजॉय करते हुए पीछे, और ये हमारा प्यारा सा छोटा सा बड़ा सा घर है जिसमें हम सब खुश रहते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ, मैं पूरे वीक व्लॉग करूंगा और ये व्लॉग में मैं Q&A भी कर रहा हूँ, तो भाई मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करे पर मैं अभी करूंगा। तो मैं फिर नेक्स्ट वाली क्लिप में बहुत तेज मेरे को स्पैंक कर रहे हैं। चल जिम चले। यस, लेट्स गो। दिस इज माय फुटबॉल फ्राइडेज आउटफिट एंड दिस इज मानव जो हमेशा लेट कर आता है और आज भी लेट कर आ रहा है। मैं तब से रेडी खड़ा हूं यहां पे, ये वीडियो एडिट कर रहा है लास्ट मोमेंट पे, इसको पता था हमने निकलना है 6 बजे। अब देखो, ये देखो यार, मानव जल्दी कर ले यार। और आज टुडे इज डे 3 एंड हम थोड़ी रील्स बनाने आए हैं। yes. और मुझे मानव जैसी फीलिंग आ रही है आज, पता नहीं क्यों। मानव तू ही कर रहा था ना ये मेरा वीकली व्लॉग का डे 3 चल रहा है अभी। पीछे ब्यूटीफुल गर्ल्स आपको दिख रही होगी, इतनी सारी क्या टीम ही है। कुछ कॉन्सेप्ट दिया रील्स के लिए, कॉन्सेप्ट जल्दी दे। सो हम आ गए हैं थोड़ा रील्स एंड ऑल बनाने। शंकु के पैर में लगी है तो वो घर पे है अभी, एंड तंजील नीचे है स्टूडियो में ही है, वो कुछ अपना अलग काम कर रहा है, और ऋषभ थोड़ा ज्यादा यहाँ पे। अरे चले। सो गाइस, आई हैव नो आइडिया कौन सा डे ऑफ माय वीकली व्लॉग है अभी, और बीच में 2-3 दिन में थोड़ा काम वाम कर रहा था, तो मैं फोन बजे बहुत ज्यादा। सो अभी मैं और मानव गए थे बीएड कराने के लिए एंड हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं ऐसा मेरे को लगता है, एंड हम है ही वैसे भी। तो अभी हम घर जा रहे हैं एंड आज का दिन थोड़ा पता नहीं कैसे जाने वाला है, क्योंकि मेरे को अभी जाना है डैम फैम की नेक्स्ट वीडियो का सामान इकट्ठा करने, क्योंकि प्रोडक्शन संभाल रहा हूँ मैं। तो लेट्स सी कौन सी चीज कहाँ मिलती है और मैं आपको तब बताऊंगा क्या क्या हुआ, एंड ये वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, पर डैम फैम की वीडियो के बाद ही आएगी, तो मतलब संडे। तो मैं सोच रहा था कि थोड़े क्वेश्चंस आंसर किए जाएं, एंड क्वेश्चंस तो काफी बढ़िया आए थे उस दिन जब मैंने डाला था, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। और दोबारा मैं एक बार चेक करूं क्वेश्चंस कौन से, तो एक आधा मुझे याद है जो मैं बिना देखे अभी उसका आंसर कर देता हूं। तो किसी ने लिखा है कि हाउ कैन यू मूव ऑन फ्रॉम समबडी, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने, तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ था कि आप किसी इंसान से मूव ऑन कैसे कर सकते हो जो आपने सोचा था कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो उसका आंसर यही है कि टाइम के साथ सब चेंज हो जाता है, एंड लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत लोग मिलते हैं, बहुत नए लोग मिलते हैं, तो वो पता भी नहीं चलता कि कब आप रियलाइज भी नहीं कर पाओगे कि आपने सोचा था कि आप जी नहीं सकते इस इंसान के और आप तब से जी रहे हो। सो वो बहुत आसान है, एंड जरूरी नहीं है कि किसी को हेट करने के बाद ही तुम मूव ऑन कर पाओगे। तुम बस एक नॉर्मली भी अगर उस चीज को ऐसा लोगे कि यार अगर नहीं था, इट वॉज नॉट मेंट टू बी, तो नहीं था, जबरदस्ती की कुछ फायदा नहीं है, और अच्छी बात है कि जबरदस्ती नहीं करी वरना और टॉक्सिक हो जाता चीजें। तो अभी तो आप लोग ग्रोइंग स्टेज हो, जो मुझे लगता है कि मतलब जितने भी आप लोग अभी स्कूल जाते हो, अभी कॉलेज में जाओगे, तो अभी तो लाइफ आपकी स्टार्ट हुई है, अभी तो आप लोगों से मिलना शुरू करोगे, अभी आपको पता लगेगा कि लोग कैसे होते हैं, दुनिया क्या है क्या नहीं, तो इतना दिल पे मत लो चीजें। एंड अगर आपका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो ट्राई करो कि आप कुछ और करते रहो एंड अपने आप को बिजी रखो, और हमेशा बिजी रखना ही हमेशा सोल्यूशन नहीं होता। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि किसी चीज से मूव ऑन करने के लिए अपने आप को दूसरी चीज पर डालो, अगर तुम एक बार बैठ के सोच लोगे उस बारे में और थोड़ा रो लोगे या दुख मना लोगे, तो वो दोबारा दुख दुख में दोबारा नहीं होएगा, तो या तो फेस कर लो उसे वंस एंड फॉर ऑल, उसे फेस करके उसे खत्म कर दो, या फिर अगर तुम इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तुम्हारे पास अपनी इमोशनली कि तुम उसे फेस करो, या तो तुम उसे भूलने की कोशिश करो, उसे इग्नोर करो, एंड याद रखो कि कोई पीटी नहीं है लाइफ में, जो अगर 2 लोग जाते हैं तो 10 लोग आते भी हैं लाइफ में, एंड वो बेटरमेंट फॉर मतलब किसी बेटर अच्छी चीज़ के लिए ही आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। एंड एक और क्वेश्चन ये था कि और हाँ, मैं जब मैंने क्वेश्चंस वाला वो डाला इंस्टाग्राम पे, तो मुझे बहुत
मतलब मेरे लिए बहुत बढ़िया था यार, अच्छे अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन आए। और मुझे उसके अलावा एक और बढ़िया चीज हुई, मुझे पता लग गया कि मुझे कितने लोगों को ब्लॉक करना है दोबारा, तो मैंने उसमें से बहुत सारे लोगों को ब्लॉक करा है। पर कोई दिया फन है यार, बीटी है जो मुझे जानता नहीं वो गाली देता तो मुझे कोई दुख नहीं है, जो मुझे जानता है अगर वो मुझे गाली दे तो मुझे दुख है, क्योंकि मैं समझ रहे हो, वो तो जो मुझे जानते नहीं उसकी गाली वाली देने से या उसके बुरा बोलने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ऑन द रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ भी करना है, कुछ भी बोलना है बोलो, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे नहीं लेना देना यार, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, मैं मजे कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। आई होप तुम्हें भी कोई टेंशन ना हो, और तुम मुझे अगर मेरी वजह से अगर किसी को कुछ बीपी हो रही है तो मैं क्या ही बोलूँ यार, तुम मुझे गाली दो क्या ही कर सकते हो उसके अलावा। सो एक और क्वेश्चन था मैंने अभी पढ़ा है उसका, वो था कि वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट, लव और सेल्फ रिस्पेक्ट। गाइज जहाँ लव होता है ना वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट को बीच में लाने की जरूरत नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है या फिर कहीं रूल्स है कोई लाइफ के, बट मैं ऐसा ही रहता हूँ कि अगर प्यार है ना तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में तो थोड़ा देख लो यार क्या ही है। जब अगर तुम्हारा सच में ट्रू लव है और अगर तुम्हें सच में लगता है कि कुछ कॉन्क्रीट चीज़ है, कुछ बनने वाला है फ्यूचर में ऐसा ऐसा, तो सेल्फ रिस्पेक्ट तभी, मतलब सामने वाला तुम्हारी बात को बिना बोले रिस्पेक्ट करेगा या तुम्हारी रिस्पेक्ट बिना उसके करेगा, और मतलब तुम्हारे को कभी इतना नीचा फील नहीं करवाएगा। तो मेरे हिसाब से लव कॉन्करस ऑल, तो सेल्फ रिस्पेक्ट हाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है, होनी चाहिए सब में। बट अगर तुम प्यार करते हो और तुम्हें इक्वल प्यार मिल रहा है तो सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है इंसान के उस एट द मोमेंट इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो, अगर एक बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को उस बंदे ने, जो आपको ऑपोजिट जो साइड में बंदा है जो भी बंदी है, जो अगर उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है उसकी वजह से, तो ज़रूरी नहीं है कि उसने जान के यही करने की कोशिश करी होगी। क्या पता उसकी अपनी अलग सिचुएशन होगी, उसके दिमाग में 100 चीज़ें अलग चल रही होगी, तो उसको समझने की कोशिश करो। एंड दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, दोनों जो दो लोग होते हैं उनके लिए सामने वाले का करना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि अपने आप का करना, अपने आप के लिए करना। उससे क्या होता है बैलेंस बना रहता है, दिखता रहता है कि वो भी हमारे लिए कर रहे हैं हम भी उसके लिए कर रहे हैं, तो हमें अपने लिए करने की जरूरत नहीं है, तो हमें अपने लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी बात नहीं आएगी क्योंकि वो इक्वली एफर्ट डाल रहा है, इक्वली प्यार दिखा रहा है और इक्वली चीजें कर रहा है। अगर वैसा नहीं है तो फिर या तो मिलके बैठ के बात करो कि क्या सीन है क्या नहीं, वरना उसके अलावा तो मेरे को लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो बात करके सॉर्ट नहीं हो सकती। लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बात करके सॉर्ट नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका कोई लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ नहीं है जो बात करने पर सॉल्व नहीं होता है। सो बात करो, बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। बात करने, जितना कम्युनिकेशन करोगे उतना आपके बारे में सामने वाले को पता लगेगा, एंड उतना उसके रिएक्शन से आपकी बात सुन के आपको उसके बारे में पता लगेगा। सो बात करो एंड सब सॉर्ट है यार। मेरे को समझ नहीं आता कि बच्चे इतने परेशान क्यों हैं आजकल के, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, ये भाई सीन ही दिया है। बाकी आज हमने जाना है फुटबॉल खेलने 9 से 11 रात को, एंड तब मैं आपको मिलता हूँ। अभी मैं 2 क्वेश्चन का आंसर करा है, बाकी मैं देखता हूँ एक दो और कुछ मेरे को समझ आया तो मैं कर दूंगा। और कुछ एडवाइस अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई कि मैं आपको आंसर बैक कर पाऊँ। एंड आई एम सो थैंकफुल दैट मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुश हो गई। मतलब मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसी करता था और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, एंड लोग सच में चाहते हैं कि मैं ये करूँ, इसलिए मैं बहुत खुशी हो रही है। सो आई वॉन्ट टू थैंक यू गाइज ऑल्सो, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई लव यू गाइज। सो एक क्वेश्चन अभी भी आया है, वो है आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग, एंड उसको मैं कैसे सही करूँ। ये गाइज यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं होगा जो ओवर थिंक नहीं करता है। एंड मैं बस इसके लिए इतना ही बोलना चाहूँगा कि हम लोग इमेजिनेशन में ज़्यादा सफ़र करते हैं जितना असली में, मतलब होती भी नहीं है उतनी बुरी सिचुएशन, पर हम इमेजिन कर करके उस सिचुएशन को इतना वर्स बना देते हैं अपने दिमाग में कि इससे ज़्यादा दुख या इससे ज़्यादा बुरा हो ही नहीं सकता हमारे साथ। तो वो चीज़ करनी छोड़नी पड़ेगी, जो अभी हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एंड जो होने वाला है जिस चीज़ का डर है कि ये ना हो जाए उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो नहीं होएगा कभी भी। अगर होएगा भी तो इतना बुरा नहीं होएगा जितना आपका दिमाग उसे बुरा बना देता है। सो ओवरथिंक करना तो ओके ही है, तो वो है कि नेगेटिविटी थोड़ा सोचो कि हम ओवरथिंक करते हैं तो हम बढ़िया चीज़ें भी तो कर सकते हो। मैं ये ओवरथिंक कर रहा हूँ यार आज, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बस ये बढ़िया होने वाला है, तो मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ कि उस चीज़ को जो ऑलरेडी अच्छी होने वाली मुझे पता है उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो वो ओवरथिंक करना एक अलग चीज़ है। किसी सिचुएशन जो हुई नहीं अभी तक जिसके चांसेस है होने के, या फिर किसी जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में सोच सोच के, मैं सब ऑप्शन, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है सारी, कुछ हो गया तो उसके बारे में ओवरथिंक करते हैं, पर अब वो जो हो ही चुका है तो क्या ही करेंगे सोच के उसके बारे में। एंड जो अभी तक हुआ नहीं है उसके बारे में अगर सोच रहे हो तो बढ़िया ही सोच रहे हो ना, फिर बुरा क्यों सोचना है उसके बारे में।
समझ रहे हो वैसा, तो वो बस इमेजिनेशन, हम इमेजिनेशन में ज्यादा सफर कर लेते हैं ओवर थिंक करके, जितनी वो सिचुएशन होती भी नहीं है असली लाइफ में। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप सोचते हो तो बढ़िया सोचो, एंड जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में ओवर थिंक करना तो छोड़ ही दो, उसके बारे में सोचो ही मत, अब तो वो हो ही गया, उसको कोई बदल ही नहीं सकता है। सो अभी वैसे मैंने एक और क्वेश्चन देखा, उसमें लिखा है और ड्रीम डेस्टिनेशन या फिर बकेट लिस्ट में आपकी 3 जगह हैं जहाँ आपको जाना है। तो ऐसा मैंने सोचा तो बहुत सारी जगह, जैसे मुझे न्यूयॉर्क जाना है, मेरा बहुत मतलब मैंने बहुत टाइम से सोचा है कि न्यूयॉर्क तो पक्का जाना है मेरे को, मैं कभी जा नहीं पाया हूँ। एंड मेरे को स्पेन जाना है बार्सिलोना, वहाँ पे मुझे बार्सिलोना के स्टेडियम में जाके बैठ के एक मैच देखना था, पर अब मेसी है नहीं बार्सिलोना में, बट फिर भी मेरे को स्पेन तो जाना है। एंड एक मेरा मतलब बचपन में देखता था हार्बर ब्रिज है जो सिडनी में, मेरे को वो बहुत सुंदर मतलब ऐसा था कि मेरे को देखना है कैसा है कैसा है, तो वो मेरे को मतलब वो मेरी विश पूरी हो चुकी है। मैं बचपन में गया था फैमिली ट्रिप पे ऑस्ट्रेलिया, तो मैं सिडनी हार्बर ब्रिज देख चुका हूँ, तो वो थर्ड था मेरा। बट उसके अलावा ऐसा है कि मैं कोई भी नई जगह जाऊँगा तो उतना ही खुश होऊंगा, तो जहाँ मैं नहीं गया हूँ वही मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है इस समय, तो मेरे को जाना ही जाना है, हर जगह देखनी है। सो अभी थोड़ी सिचुएशन भी ओके हो गई है, तो अब हम ट्रैवल करना शुरू करने वाले हैं, वो मैं आपको जल्दी पता लगेगा कि मैं सोलो ट्रैवल करूँगा या फिर सबके साथ, तो स्टे ट्यून्ड। बाकी जगहें तो बहुत देखनी है अभी यार, कोई टेंशन है नहीं, अभी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है मतलब, तो जगहें तो देख लेंगे, कोई सीन नहीं है। तो गाइस मैंने अभी 3-4 क्वेश्चंस ही आंसर करे हैं एंड ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। एंड मैं वैसे आपको एक बार बताना चाहता कि परसों मम्मी मुंबई आ रही है फॉर 1 वीक, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड हम बहुत फन करने वाले हैं एंड मम्मी को घुमाऊंगा एंड पार्टी करेंगे हम बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसके बीच में आई थिंक मैं एक चैलेंज वीडियो निकाल सकता हूँ, मैं शूट करने की प्लान कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आशना को, जब आशना और तंदील दिल्ली में थे, तो हमने एक स्ट्रीट फूड चैलेंज करा था, तो वैसे ही मैंने आशना बोला कि क्या वो मुझे मुंबई का स्ट्रीट फूड खिलाएगी, तो उसने हाँ बोला है, तो वो वीडियो जल्दी आने वाली है, तो आई विल सी यू होलो।